करनाल के बांसो गेट में एक युवक द्वारा पैसों के लेन देन के चलते सुसाइड करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक युवक के परिजनों का कहना है कि कुछ पैसे के लेने देने के चक्कर में युवक परेशान रहता था। उन्होंने बताया कि 20,000 रुपए को लेकर इसने ऑटो रिक्शा खरीदा था, जिसकी समय समय पर वह किश्त देता भी रहता था, परंतु बार बार पैसे लेने वाले युवक को धमकी देते रहते थे कि उनके मकान पर कब्जा कर दिया जाएगा या मारपीट की जाएगी, जिसके चलते युवक बड़े दिन से परेशान चल रहा था। उसी लेन देन के चक्कर में इसने सुसाइड करने का फैसला लिया। परिजनों ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं इस मामले में कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल युवक की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि ललित नामक युवक द्वारा आत्महत्या कर ली गई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों की शिकायत पर 5 से 6 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और क्या कारण हुआ, कैसे दबाव फाइनेंसर द्वारा डाला गया? जी, मेरे मासड़ जी हैं, ऑटो चलाते थे। हाँ जी, तो ये इन्होंने पैसा कुछ फिनांस पे लिया हुआ था, जैसे ऑटो जैसे ले लेते हैं, फिनांस करा लेते हैं, तो उसमें से कुछ रकम चल गई थी। अब जैसे मंदी के चलते, लॉकडाउन के प्रति मंदा चल रहा है, तो उसके दबाव में आके उन्होंने मार देंगे, ये कर देंगे, पैसा जहाँ मर्जी से ला के दे, तेरी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, ये है वो है। तो कुछ बंदे उनको परेशान कर, जैसे ऑटो चलाते थे बंदे गाली निकालने लग जाते थे, तो उनके दबाव में आकर उन्होंने परेशान होकर अपना ये सुसाइड का फैसला कर लिया। क्या नाम था? ललित कुमार था ये उनका। क्या काम करते थे? ऑटो चलाते थे। कितना पैसा लिया था और कितना वापस दे दिया था? कुछ थोड़ा ही था, 20,000 था। अच्छा। लेन देन चलता था उनका। हाँ, वापस भी कर दिया। हाँ, कुछ वापिस चल गया था, 16,000 कुछ चला गया था। अब वो धमकी दे रहे थे मकान पे कब्जा करने, मकान का कब्जा कर लेंगे, मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में कर दिया था उनको, बहुत ज्यादा सड़क पे निकलना। जैसे हम तो ये चाहते हैं पुलिस से कोई अच्छी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिन लोगों पे मामला दर्ज है, मैं ये चाहता हूँ पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाए। कौन सी जगह है ये? अपना करनाल बांसो गेट। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि है। क्या लगते हैं आप? मेरे मासड़ जी। जब ये जेरे लाया था, जहर खा लिया था, डॉक्टर साहब ने इसकी जेब में मृत्यु होने के बाद जेब में एक सुसाइड नोट निकाला था, उसमें 5-6 आदमियों के नाम है। मालिक मकाना है उसका, साला है, एक फाइनेंसर है, एक बाड़ी है। अच्छा। दो एक फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी है, जिनके नाम लिखे हुए हैं। क्या कार्रवाई की जा रही? पोस्टमार्टम कराया जा रहा। तो ये ललित क्या करता था? ललित ये ई रिक्शा चलाता था। अच्छा, तो कोई लेन देन था? फाइनेंस से पैसे नहीं रखे थे 20,000। अच्छा, अब उनसे क्या मतलब था? मालिक मान से कहता कि हमारे को उसमें से किराया मांगते थे, मतलब फाइनेंसर के दबाव में बताया इसने भी, जहर खाया। बहुत दबाव है, मकान मालिक का दबाव बता रहा है। अच्छा। और यहाँ काम करता है कोई फैक्ट्री है, दो आदमी उसका दबाव बता रहा है। तो बताएगा आज क्या कार्रवाई की जा रही? मुकदमा दर्ज कर दिया, पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी देंगे। कितने लोगों के खिलाफ किया? 6-7 आदमी। आपका पूरा नाम? एस आई जितेंद्र कुमार, थाना शहर का। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।